जी आज थोड़ा मतलब जी आज जदयू मुख्यालय के 3 ऐतिहासिक भवन में छात्र जदयू नए विश्वविद्यालय अध्यक्षों का मनोनयन किया गया है। बिहार में अभी हम 13 विश्वविद्यालयों में 14 संगठन का निर्माण किए हैं और इस पर पहली बार हम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी जो में है उसमें भी छात्र जदयू कदम रखने जा रही है। इन सभी को मैंने मनोनयन पत्र दिया है और हमारा मूल काम है पार्टी के दिशा निर्देश पर हमने छात्र के विचारों को समझा और जो भी छात्र हित के सवाल हैं उन सब मसलों को देखते हुए उन सभी का चयन किया गया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर और पार्टी के तमाम सीनियर लीडर के दिशा निर्देश पर संगठन का निर्माण किया गया है और हमारा काम आगे छात्र जदयू कैंपस में छात्रों के प्रति जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनको उठाएगा और हमारे माननीय बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो छात्र कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनको हर छात्र तक पहुँचे, किसी भी छात्र उससे वंचित न हो, उनका लाभ लें और हमारा जो बिहार सरकार हमारी वो सरकार ने काम किया है उसको एक एक पहलू को छात्र कैंपस तक पहुंचाएगी और कैंपस के अंदर छात्र जदयू छात्रों के सवाल पर लड़ेगी और कैंपस के बाहर माननीय नेता के हाथों को मजबूत करेगी, जनता दल यूनाइटेड को मजबूत बनाएगी। उसके लिए हमने सभी लोगों को बधाई दिया है और सभी लोग इस बार हम लोग छात्र संघ चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे और छात्र संघ चुनाव के तमाम सीटों पर जीतने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और तमाम सीटों को जीतने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और छात्र के जो भी रचनात्मक कार्य होंगे उस पर भी छात्र जदयू इस बार काम करने जा रही है। इन्हीं सब सवालों को लेकर के आज रचनात्मक कार्य क्या हो सकते हैं? रचनात्मक कार्य जैसे विश्वविद्यालय में आप सिर्फ आंदोलन करना ही हमारा मकसद नहीं होगा, छात्रों को एक सामाजिक कार्य में कैसे आप जॉब लेंगे, जॉब रिलेटेड जो हमारा वर्क होगा, फिर उसके बाद विश्वविद्यालय के और क्षेत्रों रोजगार कैसे सृजन होगा, इन सब सवालों पर भी छात्र जदयू सेमिनार संगोष्ठी आयोजन करेगा और तमाम मुद्दों पर चर्चा बहस करेगा। नीतीश पटेल प्रदेश अध्यक्ष छात्र जदयू।